कृष्णा, ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की कहानी बताने वाली हूँ। आई होप यू आर लाइक इट, एंड इफ यू आर लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भरत नाम के एक मुनि थे जिन्हें सभी देवताओं के दर्शन की इच्छा हुई और उसी वजह से वो चारों ओर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते वक्त उन्हें विश्राम के लिए एक जगह ढूंढनी थी। तभी उन्हें दो बेर के वृक्ष मिले और उसी के नीचे वो थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठ गए। बैठकर उन्होंने प्रतिदिन की भांति श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पठन किया और वहीं पर एक वृक्ष के नीचे अपना सर और दूसरे वृक्ष के जड़ों पर अपने पैर रखकर थोड़ा सा विश्राम किया। विश्राम के बाद वो उठकर अपने भ्रमण के लिए आगे चले गए। उन दो वृक्षों का कुछ ही दिनों में वो दो वृक्ष एकदम सूख गए और निर्जीव हो गए। उन दो वृक्षों ने कुछ दिनों बाद दो कन्याओं के रूप में जन्म लिया। कन्याएं थोड़ा 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 करके बढ़ती गई। बढ़ने के बाद 7 वर्ष की हो गई और 7 वर्ष की उन कन्याओं ने एक बार भरत मुनि को आते हुए देखा। तभी वो दोनों कन्याएं जाकर भरत मुनि के पैरों में गिर गई और कहा कि आप ही की वजह से हमें बेर के वृक्ष की जो योनि थी उससे मुक्तता हुई। तब भरत मुनि को समझ नहीं आया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और बेर के वृक्ष के नीचे बेर के वृक्ष कैसे बने। तभी उन दोनों कन्याओं ने कहा कि हम पिछले जन्म में 2 अप्सराएं थी। एक मुनि थे जिनका तप भंग करने के लिए इंद्र ने हमें भेजा था और उन्हीं मुनि का तप भंग करते समय उन मुनि को हम पर क्रोध आया और उन्हीं ने हमें श्राप दिया था कि वो हम दोनों बेर के वृक्ष बन जाएंगे। और तभी हमने उनसे माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि भरत नाम के एक मुनि आएंगे तभी तुम्हारी इस योनि से मुक्तता होगी। और आपने श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय वहाँ पर गाकर हमारी मुक्तता कर दी। तो ये थी श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर बताना और शेयर भी करना। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।